Hi, this is Rahul Dev. Get functional with me. तीन किस्म के बेसिक बॉडी टाइप्स होते हैं, एंडोमॉर्फ्स होते हैं, मेसोमॉर्फ्स होते हैं, एक्टोमॉर्फ्स होते हैं. एंडोमॉर्फ्स बेसिकली उस किस्म के लोग होते हैं जो कि मस्कुलर उतने नहीं होते हैं, मगर स्ट्रेंथ उनमें होता है. और जो भी वो खाते हैं उसकी क्षमता ये होती है कि थोड़ा फ्लैबी किस्म का, मतलब राउंडेड रहते हैं उनके जो कॉन्टोर्स हैं ना, वो राउंडेड रहते हैं. एक्टोमॉर्फ्स वो किस्म के लोग होते हैं जो कि बिल्कुल दुबले होते हैं. कितना भी खा लें उनको लगता है कि यार ये आदमी यार 12 पराठे खा के गया, मगर खाना कहाँ गया. उसको मसल डालना भी बड़ा कठिन है, मगर जब मसल उसको आता है, एक बड़ा अजीब ब्रूसली किस्म का मसल आता है, सिनुई आता है, बहुत शानदार आता है. और फिर जो ब्लेस्ड हैं भाई, नेचुरली ब्लेस्ड वो ये हैं जो मेसोमॉर्फ्स हैं, वो दे टॉल, दे वेल प्रोपोर्शन, दे शोल्डर्स आर वाइड, दे लिम्स आर लॉन्गर, दे वेस्ट आर नैरो. सो इट्स जस्ट वन ऑफ दोज गुड लक थिंग्स. आई डोंट ड्रिंक मिल्क इन एनी फॉर्म बिकॉज आई फील स्ट्रांगली दैट वी आर फ्रॉम अ मैमल फैमिली. और अगर आप किसी भी और मैमल को देखेंगे, किसी को भी, नन ऑफ दीज मैमल्स ड्रिंक एनी अदर मैमल्स मिल्क. सो हम ही लोग हैं जो कि गऊ का या भैंस का जो दूध पीते हैं. नॉर्मली आप स्ट्रे डॉग को देखेंगे या जंगल में किसी डॉग को देखेंगे, वो शिशु जब होता है, जब वो चल नहीं पाता है, तब अपनी माँ का दूध पीता है. और एक बार वो चलने योग्य हो जाता है, दूध नहीं पीता. सो आई डोंट ड्रिंक मिल्क. आई एम अगेंस्ट दिस होल पॉलिसी ऑफ कि हमें दूध पीना चाहिए, क्योंकि दूध में लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड, उसमें एक चीज़ होती है कैसीन, विच इज़ अ वेरी वेरी हाई न्यूट्रिएंट एंड हाई फॉर्म ऑफ प्रोटीन. बट जो ह्यूमन एंजाइम है वो उसको डाइजेस्ट करने में बहुत समय लगाती है. उसमें खाली ये है कि कैल्शियम, अगर बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता, जैसे कि ग्रीन्स जो पालक है उसमें दूध से ज़्यादा कैल्शियम होता है पालक में, बट वो क्योंकि हरे रंग का है तो हमें पता नहीं है उसके बारे में, उसकी न्यूट्रिशन के बारे में. तो आई फील न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी होना बहुत 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 ज़रूरी है. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर ऑन फंक्शनल फिटनेस, माय वे टू एक्सरसाइज.